अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम निशाद बॉयज हाई स्कूल शाहरुख ने आलम। आर टुडेज लेसन इज द लास्ट जोक वन, आखिरी मजाक। ये चैप्टर एक मस्खरे के मुतालिक है जो कि एक बादशाह के यहाँ काम किया करता था। इसका काम था बादशाह को हंसाना और बादशाह को अपनी मजाहिया लतीफ़ों और हरकतों से हंसाया करता था। इस काम के उसको पैसे मिलते थे। वक्त गुजरता गया और मैट यानी मस्खरा बूढ़ा होता गया। अब हर वक्त वो खांसता रहता, चलने के लिए छड़ी का इस्तेमाल करता, जो भी लतीफ़ा सुनाता पुराना सुनाता, बादशाह को गुस्सा आ जाता। उसने मैट को कुछ रकम देकर निकाल दिया। अब मैट और उसकी बीवी वोंडा बहुत परेशान थे, पैसे भी ख़त्म हो गए थे। उन्होंने कुछ काम ढूंढने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। फिर उन्होंने एक तरकीब सोची। वोंडा मलका के पास गई और कहा कि उसका शोहर मैट मर चुका है। मलका ने उसे अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए 100 सोने के सिक्के दे दिए। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, इसका अगला हिस्सा आप अगले चैप्टर में सुनेंगे। चले आए चैप्टर की ट्रांसलेशन करते हैं। A long time ago, a king had a jester called Mat. बहुत अर्सा पहले एक बादशाह के पास एक मैट नामी मस्खरा था। A jester was a man who told funny jokes or did funny things. मस्खरा एक ऐसा आदमी हुआ करता था जो मजाही लतीफ़ा सुनाता या मजाहिया हरकत किया करता था। When the king felt sad or unhappy, he sent for the jester. जब बादशाह उदास से ना खुश होता तो मस्खरे को बुलवा लेता। Make me laugh, मुझे हंसाओ, the king commanded, बादशाह हुक्म देता। And the jester made the king laugh, और मस्खरा बादशाह को हंसाया करता। The king paid him to do this and for many years Matt and his wife Wanda were happy. बादशाह उसे ऐसा करने की तनख्वाह देता था और बहुत सालों तक मैट और उसकी बीवी वोंडा खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारते रहे। मैट वॉज अ गुड जेस्टर, मैट एक अच्छा मस्खरा था। एंड द किंग पेड हिम वेल, और बादशाह उसे माकूल पैसे देता था। द ईयर्स वेंट बाय एंड मैट एंड वोंडा ग्रू ओल्ड, साल गुजरते रहे और मैट और वोंडा बूढ़े हो गए। मैट स्टिल ट्राइड हार्ड टू मेक द किंग लाफ बट समटाइम्स ही डिड नॉट सक्सीड। मैट बादशाह को हंसाने की अब भी भरपूर कोशिश करता लेकिन बाज़ दफ़ा वो कामयाब ना हो सकता। देन द किंग वॉज एंग्री, तब बादशाह को गुस्सा आ जाता। गो ऑफ़, दफ़ा हो जाओ, ही कमांडेड, वो हुक्म देता। यू आर नॉट फनी, तुम मज़ाहिया नहीं हो। यू हैव नॉट मेड मी लाफ, तुमने मुझे नहीं हंसाया। आई पे यू टू मेक मी लाफ, मैं तुम्हें हंसाने के पैसे देता हूँ। मैट टोल्ड वोंडा व्हाट द किंग सेड, मैट ने बादशाह वोंडा को बताया कि बादशाह ने क्या कहा। व्हाट शैल आई डू, मैं क्या करूँ। ही सेड, उसने कहा, आई एम टू ओल्ड टू बी अ जेस्टर, अब मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ कि मैं मस्खरा नहीं बन सकता। फॉर वन थिंग आई एम डेफ, एक तो ये बात है कि मैं बहरा हो गया हूँ। आई कैन नॉट हेयर वेरी वेल, मैं अच्छे से नहीं सुन सकता। व्हेन समवन टेल्स मी अ न्यू जोक, जब मुझे कोई नया लतीफ़ा सुनाता है। आई ऑफन कैन नॉट हेयर व्हाट दे आर सेइंग, मैं अक्सर नहीं सुन पाता कि उन्होंने क्या कहा। इफ़ आई हेयर अ न्यू जोक, अगर मैं नया नया लतीफ़ा सुनता हूँ। आई ऑलवेज फॉरगेट इट, मैं हमेशा भूल जाता हूँ। बिकॉज आई एम लूजिंग माई मेमोरी, क्योंकि मैं अपनी याददाश्त खो रहा हूँ। आई हैव टू रिपीट माई ओल्ड जोक्स अगेन एंड अगेन, मुझे अपने पुराने लतीफ़े बार बार दोहराना पड़ते हैं। I have a bad cough too, मुझे शदीद खांसी भी रहती है। And so I tell my jokes very badly, इसलिए मैं बुरे तरीके से लतीफ़े सुनाता हूँ। I am too old to jump about and make the king laugh, अब मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ कि बादशाह को खुश करने के लिए उछल कूद भी नहीं कर सकता। Wanda was sad. Wanda उदास थी। She knew that it was true. वो जानती थी सच था कि ये सच था। Each day Matt became more and more forgetful. हर रोज़ Matt मज़ीद से मज़ीद भुलक्कड़ होता गया। His cough became worse. उसकी खांसी भी शदीद होती चली गई। His old bones became stiff. उसकी बूढ़ी ही हड्डियाँ अकड़ गईं। When he walked, जब वो चलता, he had to lean on a stick. उसे एक छड़ी पर झुकना पड़ता। At last the king sent for Matt and gave him some money in a purse. आखिरकार एक दिन बादशाह ने मैट को बुलाया और उसे एक थैले में कुछ रकम दी। द क्वीन एंड आई आर सॉरी मैट, मैट मैं मलका और मुझे अफसोस है। ही सेड, उसने कहा, बट यू आर टू ओल्ड टू बी अ जेस्टर, मगर तुम इतने बूढ़े हो चुके हो कि एक मस्खरे का काम नहीं कर सकते। हेयर इज अ पर्स, यहाँ एक थैली है। गो एंड लिव विद वोंडा इन योर लिटिल हाउस, जाओ वोंडा के साथ अपने छोटे से घर में रहो। आई मस्ट गेट अ न्यू जेस्टर, अब मुझे एक नया मस्खरा रखना होगा। Sadly, Matt and Wanda went back to their home. Matt और Wanda उदास होकर अपने घर चले गए। There was not much money in the purse and it was soon gone. थैले में कोई बहुत ज़्यादा रकम ना थी और ये जल्द ही ख़त्म हो गई। Matt and Wanda knew that they must earn some money. Matt और Wanda को पता था कि उन्हें कुछ ना कुछ रकम तो कमाना पड़ेगी। They tried to find work to do, but they did not succeed. उन्होंने करने के लिए काम ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो कामयाब ना हुए। No one would give them work because they were too old. उन्हें किसी ने भी काम ना दिया क्योंकि वो बहुत बूढ़े थे। दे बिकेम मोर एंड मोर हंगरी, वो भूख का शिकार होते।
एट लास्ट मैट सेड टू वांडा, आखिरकार मैट ने वांडा से कहा, इफ़ यू डू नॉट गेट सम मनी सून, अगर हमें जल्द ही कुछ रकम ना मिली, वी शैल डाई ऑफ हंगर, हम भूख से मर जाएंगे। लिसन सुनो, आई हैव थॉट ऑफ अ प्लान, मैंने एक तरकीब सोची है। ही टोल्ड वांडा व्हाट टू डू, उसने वांडा को बताया कि क्या करना है। दैट इवनिंग वांडा वेंट टू द क्वीन एंड प्रिटेंडेड टू क्राई, उस शाम वांडा मलका के पास गई और उन्होंने पिटने का दिखावा किया। योर मजेस्टी, मलका सलामत, ही इज शी क्राइड, वो चिल्लाए, माई पुअर हस्बैंड मैट इज़ डेड, मेरा बेचारा शोहर मैट मर गया है। वॉट शैल आई डू, मैं क्या करूँ। द क्वीन फेल्ट वेरी सॉरी फॉर वांडा, मलका को वांडा पर बड़ा तरस आया। शी गेव हर अ पर्स फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स टू बाय फूड, उसने उसे खाने पीने के लिए सोने के सिक्कों की भरी हुई एक थैली दी। वन वांडा गॉट होम, जब वांडा घर गई, शी एंड मैट काउंटेड द कॉइन्स, उसने और मैट ने सिक्के गिने। देर वर 100 गोल्ड कॉइन्स इन द पर्स, थैली में 100 सोने के सिक्के थे। एक्सीलेंट, बहुत उमदा, ये बहुत खूब, सेड मैट। मैट ने कहा, नाउ आई शेल कैरी आउट द रेस्ट ऑफ द प्लान, अब मैं तरकीब के बाकी हिस्से पर अमल करूँगा। बच्चे, ये था आज का आपका लेसन, आई होप आपको समझ आई होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।